भाजपा द्वारा पेड़ लगाओ अभियान के तहत शुक्रवार को हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा व वन मंत्री कंवर पाल ने पीपली चिड़ियाघर का दौरा भी किया। उन्होंने 57 गांवों के सरपंच से विचार विमर्श भी किया। कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा में पेड़ लगाओ अभियान के अंतर्गत पहले चरण में 1126 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में सरपंचों, शिक्षा संस्थानों, मंदिरों, गुरुद्वारों और खाली पड़ी भूमि पर फलदार, औषधीय व अन्य प्रकार के पौधरोपण करने की योजना है। मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत 3,39,450 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज से हमारा प्लांटेशन का आजकल पूरा एक सीजन चल रहा है। तो अपना इंदिरा गांधी कॉलेज है लाडवा में, उसमें आज प्लांटेशन का कार्यक्रम था। काफ़ी जगह में उन्होंने पेड़ लगाए, उसके कार्यक्रम में हम आए थे। और अब की बार जो टारगेट है सरकार का, वो बहुत बड़ा एक टारगेट हमने लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा में भी 20% फॉरेस्ट होना चाहिए। अभी तक हमारा जो फॉरेस्ट है वो 7% है। तो 5 साल का हमारा टारगेट 20% करना है। तो इस साल हमने 1100 गांव चुने, और 1100 गांव में जहां भी ज़मीन है खाली, चाहे उसकी फिरनी है, चाहे मंदिर की ज़मीन है, शमशान घाट की ज़मीन है, या कोई और गुरुद्वारा की ज़मीन है, या कहीं धर्मशाला है, उसकी जहां भी ज़मीन है खाली, उस पर सारी पे हम पेड़ लगा के उसको हरा भरा करने का काम हम कर रहे हैं। और दूसरा टारगेट हमारा ये है कि अब की बार जितने भी पेड़ हम लगाएंगे, हमारा टारगेट है कि 100% हरे होने चाहिए। इसके लिए हम वन मित्र भी रख रहे हैं उनकी देखभाल के लिए। तो हर बार जैसे अब की बार 1100, अगली बार फिर 1100, अगली बार फिर 1100, तो 5 साल में हम सारे हरियाणा को पूरा हरा भरा करने का हमारा टारगेट है। दूसरा हमने अब की बार एक और किया कि जहाँ पहले कुछ ऐसे पेड़ लगाते थे जो हमें आर्थिक रूप से लाभदायक थे, जैसे स्पिद्दे का था, पॉपुलर का था, उसमें हमने कमी की अब की बार। हमारा टारगेट है कि ऐसे पेड़ लगाएंगे जो ज़्यादा ग्रीनरी देंगे हमें और जिनकी लाइफ ज़्यादा होगी। दूसरा ऐसे जिनके ऊपर कुछ पेड़ ऐसे भी लगाएंगे जिनके ऊपर खाने के लिए भी कुछ हो, जहाँ के पक्षी अपना भोजन भी कर सके। और तीसरा ऐसे पेड़ जिनके ऊपर घोंसला बन सके, ताकि जो उनका प्रजनन है, जो उनकी देखभाल है, वो ठीक तरीके से हो सके, जो पक्षी हैं वो भी बच सके। तो इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने पंचायतों में भी अबकी बार काम शुरू किया कि पंचायत से हम जमीन ले रहे और उनको बाग लगा के हम देंगे। 3-4 साल हम उसकी देख रेख करेंगे, जब बाग बड़ा हो जाएगा तो फिर हम पंचायत को इसको वापस देंगे। पहले भी क्षेत्र में काम तो करते थे, लेकिन पहले हम सफेदा लगाते थे। ज़्यादातर पंचायतें हमारे सफेदे की डिमांड करती थी कि सफेदा लगा दो। तो सफेदा लगाने के बाद क्या होता है कि 7 साल के बाद सफेदा फिर कट जाता है, यानी कि हम उसी स्थिति में 7 या 8 साल के बाद दोबारा फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें हम पहले हैं। लेकिन बाग अगर कहीं भी लगेगा तो बाग मान के चलोगे 40 साल से लेके लगभग 60 साल तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जब हम एक बार काम करें तो लंबे टाइम तक वो वैसा का वैसा रहना चाहिए। और बहुत से पेड़ ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे लापता होते जा रहे हैं। पहले अपनी ज़मीन पे लगाता है आदमी, ये सोचता है कि थोड़ा उसको अगर मान लीजिए छावा है ज़मीन का कुछ है तो वो सोचता है, हालांकि लगाना चाहिए उसको, लेकिन फिर भी वो कई बार लालच कर जाए थोड़ा सा तो। लेकिन हम उसका हमें बड़ा लाभ मिल रहा, तो हम वो ऐसे परंपरागत जो पेड़ थे उनको भी वहाँ लगा सकते हैं। और वो पेड़ औषधीय पेड़ भी हैं वो। वैसे तो चाणक्य जी ने एक बात कही थी कि भाई धरती पे कोई घास ऐसी नहीं, कोई पेड़ ऐसा नहीं जो औषधि नहीं है, और कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो उपयोगी नहीं है, हर चीज़ उपयोगी है। तो हर पेड़ उपयोगी है, वो कहीं ना कहीं बस जानकारी की बात है। मेरी जानकारी नहीं होती इसलिए मुझे लगता है कुछ नहीं है, जब मुझे उसकी जानकारी होती है तब मुझे पता चलता है तो बहुत उपयोगी है, कहीं भी काम दे सकता है। अभी जैसे कोविड है, कोविड-19 जिस प्रकार से आया, तो इसमें बहुत सी दवाइयाँ ऐसी जो की ना, अभी रामदेव जी ने बात कही हमारे, और जो आयुष के लोग हैं उन्होंने भी कही, तो उससे हमारी इम्यूनिटी जो पावर है वो बढ़ रही है। उसको कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके या उनके फल ऐसे हैं जिनको लेने से हमारी बढ़ती है, तो उससे बड़ा भारी लाभ रहा। वो पूरे जीवन में इस प्रकार से काम आती हैं चीज़ें। हमारे बुजुर्गों को ज़्यादा नॉलेज थी उसकी, बीच में एक ऐसा दौर आया हो नॉलेज घटती गई, लेकिन अब दोबारा फिर उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। सर, इसका स्कूल खुलेंगे सर, ऐसे ही अपना चलता है? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है अभी, लेकिन फिर भी हम देखिए जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय से ही खुलेंगे, क्योंकि हम ये सारी रिस्क तो नहीं ले सकते। लेकिन मुझे लगता है कि शायद
अभी जल्दी हम इसके बारे में निर्णय लेंगे कुछ ना कुछ। अभी हम सरकारी स्कूलों के बारे में विचार कर रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल लगभग लगभग एक गांव में एक स्कूल है, वहीं के बच्चों ने भी नहीं जाना, तो हम 50% बच्चों को एक टाइम, 50 को एक टाइम बुलाने का सोच रहे हैं। और ऐसे ही जो हमारे प्लस टू के स्कूल हैं वो भी लगभग लगभग हमारे 3 या 4 गाँव के बीच में एक स्कूल है, तो वहाँ भी कोई जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भंग नहीं होती वहाँ, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादातर या तो पैदल आते हैं या साइकिल पर आते हैं, तो कहीं किसी ऐसे बस में या कार में या ऐसी गाड़ी भी नहीं आते। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।